देखा वीडियो में कि किस तरीके से यानी कि ये वाइट स्मोक कर रहा था। तो इसी के साथ हमने इंजन खोला और इंजन की साउंड भी प्रॉब्लम है, पिकअप प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमने इसका इंजन को ओपन किया। तो ओपन करने के बाद हम इसमें सिलेंडर किट लगा रहे हैं, टाइमिंग चेन लगा रहे हैं, क्लच प्लेट लगा रहे हैं और करंक जो होता है उसका हमने कनेक्टिंग को चेंज किया, मैन बेरिंग जो होता है उन चीज़ों को हमने चेंज किया, फल लगाया और यानी कि इस तरीके से करके काफ़ी पार्ट्स इसका चेंज किया और इसके इसे हम फुल इंजन फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इंजन का साउंड आता है। और अगर आपके साथ इस तरीके से होता है वो आप यानी कि कैसे आप इसे फिट करें और कैसे यानी कि इंजन के अंदर आप पार्ट्स लगाएं और उसका काम करें ताकि सालों साल हमारी बाइक चले। तो फाइनली हमने पूरा पार्ट्स को सबसे पहले वॉश करना होता है अच्छी तरीके से। अगर हम साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो हमारा इंजन बनाने का यानी कि कोई फ़ायदा ही नहीं होता है अगर उसके अंदर कचरा रह जाता है। तो चलिए अब हम इसे सेट करते हैं, आपका टाइम बहुत ही कम लेंगे और इसे हम सेट करेंगे और आपको पूरा फुल दिखाएंगे कि किस तरीके से आप ग्लैमर बाइक का इंजन फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हम ये चीज़ आपको दिखा देना चाहते हैं कि इंजन यानी कि इंजन के अंदर जितना भी वाशर वगैरह होता है ये सब चीज़ इस तरीके से लगा के रखने बाद क्या होता है कि हमें फ़िट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, हम फटाफट यानी कि सामान लेके हम जल्दीबाजी यानी कि फ़िट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इसके अंदर रबड़ लगता है इस रबड़ को हमने भी चेंज किया क्योंकि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्ले था। तो चलिए अब हम इसे फ़िट करते हैं और आप वीडियो में ज़रूर बने रहें क्योंकि इस तरीके से वीडियो काफ़ी कम में देखने को मिलता है। अगर आप एक सीखने वाले भाई हैं तो हमारे वीडियो देख के आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो गियर को पहले इस तरीके से यानी कि हमें फ़िट कर लेना चाहिए और इसका जो वाशर होता है वो यानी कि लॉक टाइप का होता है। और देखिए आप, अगर आप गियर की फुल वीडियो देखना चाहते हैं कि गियर बक्सर यानी कि जितने भी पेनियंस होते हैं उन सभी पेनियनों को किस तरीके से फ़िट करें तो उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। और हालांकि अगर आप किसी भी तरीके से फ़िट करते हैं और इस तरीके से अगर आप मिला लेते हैं दोनों की गरारी बिल्कुल सेम तो आप समझे कि हमारा जो गियर है वो सही सेटिंग हो चुका है। और इसका जो गैपिंग होता है इसे हमें इस तरीके से यानी कि चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा किस में सेटिंग होगा, इस तरीके से घुसा के हमें, और फिर हमें इसे यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है जो कि इसमें एक खुट्टी होता है वो हमारा गियर में फंसना चाहिए जिसके ज़रिए से हमारा यही है जो जिनके ज़रिए से हमारा गियर चेंज होता है, ये पेनियन को यानी कि ऊपर नीचे करने में ये मदद करता है। तो देखिए ये हमारा पूरी तरीके से फिट हो चुका है और इसके ऊपर एक बुश लगा देना है जो कि दोनों हमारा इसमें फिट हो जाएगा, दोनों सेलेक्टर इस तरीके से सेटिंग हो जाता है। और फिर आप यहाँ से इसे घुमा के देख सकते हैं। फिर किक जो हमें लगाना है इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं होता है, बस इसका जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को आपको यहाँ पे एक जगह होता है जो कि उसमें हमें सिर्फ इसे फंसा देना है। और जो हम फिट कर रहे हैं इंजन यानी कि ये बीच वाला चैम्बर में हम फिट करते हैं। ये बेयरिंग लगाने के बाद इस छोटा सा जो बुश होता है उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाना है, थोड़ा ऑयल डाल देना है क्योंकि हमारा फ्री रहे, जब भी हम किसी भी पार्ट्स को घुमाएं तो हमें टाइट महसूस ना हो, बिल्कुल फ्री चले। क्रैंक लगाने से पहले हमें अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। पहले क्या था, इसका जो कनेक्टिंग है ये काफ़ी ज़्यादा प्ले था और बेयरिंग भी हमने इसका चेंज करवा दिया क्योंकि हम ब्लॉक किट लगा रहे हैं और ब्लॉक किट अगर हम लगाते हैं तो बेयरिंग ज़्यादातर बेहतर होता है चेंज करने में। फिर यहाँ पे दोस्तों पैकिंग नहीं लगता हमारा, सिर्फ आप बॉन्ड लगा दे बहुत ही हल्का और फिर इसे यहाँ पे सेटिंग कर देना है। तो हमारी वीडियो आप अगर दोस्तों देखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कुछ यानी कि 15 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा अपना टाइम निकाल के तो आप मैं बहुत ही भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो जानकारियाँ देता हूँ वो हर एक चीज़ का बिल्कुल पूरी तरीके से फुल जानकारी देता हूँ और किस तरीके से आपको काम करना है, कौन सा पार्ट्स कहाँ पे बैठाना है या कोई भी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आ गई या उसे किस तरीके से सॉल्व करना है
वो सारी चीज़ हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे जो हमारा क्रैंक होता है उसमें जो बेरिंग होता है, ये आपने पत्ती देखा जो कि उसी बेरिंग को, ये क्रैंक को, ये पत्ती ऊपर की ओर उठा के रखता है इस तरीके से। क्रैंक की जो प्ले होता है वो चीज़ यानी कि ये नहीं होने देता है, जो साइड होता है हमारा। और भी बाइक में आपने देखा होगा, स्प्लेंडर, पैशन प्रो या और भी किसी बाइक में, ये क्या होता है कि यानी कि साइड, जब हम क्रैंक को इधर खींचेंगे अंदर ठेलेंगे तो इस तरीके से यानी कि प्ले होता है। इसमें वो चीज़ ज़रा सा भी नहीं है कि ये यानी कि क्रैंक इसका प्ले हो, इसीलिए वो पत्ती दिया जाता है। और उसमें एक घाट होता है जो कि देख सकते हैं आप, और यहाँ पे जो हमें किक लगाना है, एक प्लास्टिक का बूस आता है जो कि वो बहुत ही एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, उससे पहले हमें अंदर लगाना चाहिए। उसके बाद ये जो पैनियन होता है, इसमें यानी कि कोई भी टाइमिंग नहीं होता है, इसे सिर्फ आप इस तरीके से इस स्प्रिंग में फंसा दें, और फंसाने के बाद इस पैनियन को आप यहाँ पर लॉक कर दें, यानी कि इसका जगह होता है, और उसके बाद यह स्प्रिंग आपको आगे की तरफ खींच के बैठा देना है। कोई भी यानी कि इसमें ये ज़्यादा मेहनत नहीं है। ये देखिए आप, अगर आप फुल इंजन खोलते हैं, अगर आप किक नहीं भी खोलते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होता है इसमें कि हमारा चैम्बर नहीं खुलेगा या हाँ खुलेगा। आप इसे अगर नहीं भी खोलते तो कोई भी दिक्कत नहीं, हमने सिर्फ इसीलिए खोला कि आपको थोड़ा हम जानकारी दे दें कि किस तरीके से कभी भी आप अगर किक खोलते हैं तो आप इसे इस तरीके से फिट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं इस तरीके से घुमाएं, और क्लच वाला सप्टा अगर आप घुमाएंगे तो कड़ 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 आवाज़ आएगा, और फिर आप किक यानी कि छोड़ देंगे तो वो यानी कि आवाज़ नहीं आना चाहिए। इसके बाद किक सप्टा लगाएं, और किक सप्टा लगाने से पहले आप इसका जो गियर डॉग होता है उसे आप लगाएं। यहाँ पे फिर छोटा छोटा हमें बूस लगाना है, यानी कि बहुत ही छोटा छर्रा जिसे हम बोलते हैं, जो कि ये गियर को आगे पीछे करने में यह काम मदद करता है। ये जो गियर डॉग है दोस्तों, इसे हमने नहीं खोला था इसीलिए ये थोड़ा यानी कि हार्ड लगता है, इसमें स्प्रिंग होता है। फिर यहाँ पे ये एलंकी बोर्ड लगाना है, पांच नंबर एलंकी लगता है, इसे फुल टाइट करना है। इस तरीके से आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा गियर यानी कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये एक बहुत ही हल्का सा लॉक होता है, देखिए आप, जो कि एक क्रैंक में लगता है, और क्रैंक में जो लगता है एक पैनियन होता है, और वो वही पैनियन हमारा ऑयल पंप को यानी कि चलाता है। ये देखें आप, जो कि इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से फिट करना है। तो पूरा वीडियो देखें, अगर आप वीडियो को कट करते हैं तो हमें यानी कि थोड़ा हम नहीं सीख पाते हैं, कुछ काम हमारा छूट जाता है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसे लगाने के बाद इसके ऊपर एक बुश लगाना है, ये यहाँ पे हमारा फिट हो चुका है। और कभी कभी क्या होता है यानी कि ये हार्ड जाने लगते हैं, इसीलिए थोड़ा हमें चोट वोट मारना पड़ता है तभी ये सेटिंग होता है। इसके ऊपर फिर हमें एक बुश लगाना है, उसके बाद ही ये प्राइमरी गियर यानी कि जीपीडी पैनियन को लगाएंगे। इस बुश को लगा दिया, यहाँ पे फिर एक चाबी लगाना है लॉक यानी कि, और फिर हमें इस पैनियन को लगाना है।
यह पिनियन दोस्तों अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो इसके ज़रिए से हमारी बाइक में हूँ हूँ आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आता है। तो क्लच कटोरे के नीचे दो बुश लगता है हमारा, इसके ऊपर एक वाशर आएगा और फिर हम क्लच प्लेट लगाएंगे। और जो हम क्लच प्लेट लगा रहे हैं, जो इसका सेंटर हब है और जो हम क्लच प्लेट लगा रहे हैं इसमें, तो ये यानी कि हीरो का बिल्कुल जर्मिन है। और हीरो की जो क्लच प्लेटें होती है ग्लैमर बाइक में वो बिल्कुल मस्त होता है। और इसमें एक ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी आप हीरो की ओरिजिनल क्लच प्लेट खरीदते हैं तो उसे आप गौर से देखना, क्योंकि ऊपर एक अलग कलर का होता है और नीचे भी यानी कि अलग, दो क्लच प्लेटें ये देखिए आप, इसकी जो कलर ही यानी कि अलग होगा और तीन का कलर ही अलग होगा। तो इसीलिए यानी कि दो क्लच प्लेट जो होता है हमारा अलग अलग कलर का, ये आप एक नीचे की ओर रखें और एक सबसे ऊपर में, एक यानी कि हम यहाँ पे लगा देंगे हब में यानी कि नीचे, और फिर हमें बीच वाला जो तीन क्लच प्लेट था उसे हमें बीच में इस तरीके से रखना है। और जो ऊपर का होगा दोस्तों वो हम सेंटर पे रखेंगे। तो ये आखिर इस तरीके से क्यों देता है, ये इसका मतलब यही होता है कि ये यानी कि प्रेशर प्लेट, ये क्लच प्लेट को, ये सेंटर और हब को हमारा जल्दी घिसने नहीं देता है, जल्दी ख़राब नहीं होने देता है। तो चाहे आप क्लच प्लेट लगाने से पहले ही इसे ऑयल से भिगो दें, या तो आप बाद में इसमें ऑयल इस तरीके से डाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों जिस तरीके से आपको यानी कि सुविधा है, आपको अच्छा लगता है, उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। यानी कि जो जिस सिस्टम से होना चाहिए उसे हमें उसी सिस्टम से सेटिंग करना है। यहाँ पे एक वाशर लगेगा और फिर ये नट लगा लेगा। इसे यहाँ से हमें फुल टाइट करना है। तो इस नट को हमने टाइट कर दिया है और इसके बाद ये छह स्प्रिंग हमें लगाना है। और इसके ऊपर जो होता है दोस्तों वो तीन बोल्ट होता है, जो इसका सेंटर होता है उसमें तीन बोल्ट ही लगाने का जगह गुना होता है। और कभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि स्प्रिंग में हमारा उल्टा सीधा होता है या नहीं होता है, तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि स्प्रिंग में आपने ये चीज़ देखा होगा कि इसमें एक कलर होता है रेड कलर, यानी कि पैंट का निशान, तो वो आपने देखा होगा कि वो यानी कि ऊपर की ओर होता है। जब भी यानी कि कंपनी वाला ऐसा फिट करते हैं तो वो एक पैंट यानी कि एक निशान दे देता है कि ये यानी कि ऊपर होगा। तो इस तरीके से भी आप इसे सेटिंग कर सकते हैं। हालांकि हमारे हिसाब से इस स्प्रिंग की जो यानी कि ये है, इसमें कोई भी यानी कि उल्टा सीधा नहीं होता है, तो कंपनी वाला इसमें निशान देता है। तो चाहे तो आप उस तरीके से भी लगाएं, अगर आप नहीं भी लगाया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा जो कलर है वो ऊपर ही होना चाहिए, अगर नीचे भी चला गया गलती से तो वो यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग आप चाहे आपकी मर्ज़ी जिधर से लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों हमें तीन बोल्ट लगाना है, और तीन बोल्ट जो हम लगाते हैं तो ये नट यानी कि धीरे धीरे हमें तीनों नट को टाइट करना है। और इसे प्लेट को यानी कि ऊपर की ओर खींच के, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सेंटर होता है वो चीज़ नीचे अटक जाता है और क्लच हमारा फुल टाइट करने के बाद यानी कि फ्री चलने लगता है, इसीलिए इसे हमें प्लेट को ऊपर की ओर खींच के टाइट करना चाहिए। और फिर यहाँ पे हमें इस बैलेंसर को लगाना चाहिए। तो इधर दोस्तों क्लच साइड का हर एक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम सिलेंडर किट यानी कि लगाने वाले हैं। और सिलेंडर किट जो हम लगाएंगे तो सबसे पहले इसे हमें ओपन करना होता है। और यहाँ पे चलो हम देखते हैं कि यानी कि किस तरीके से हमें इसका रिंग वगैरह को फिट करना है। तो यहाँ देखें आप, जो कि पतला वाला रिंग पहले हमें लगाना चाहिए, उसके बाद दोनों उसके ऊपर में। तो कभी भी गाइस अगर आप चाहे जेन्युइन सिलेंडर किट ले या
दूसरा कंपनी का लें तो उसका हमें रिंग को यानी कि अच्छी तरीके से चेक करना होता है सिलेंडर में डाल डाल के। तो हमने ये पहले आपको वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से आप रिंग को फिट करें और किस तरीके से यानी आप चेक करें और कहां कहां पे रिंग का गैपिंग आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको ज़रूर बताया है, तो चाहे अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देखें। और भी आप जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से बराबर हमारे चैनल पर आपको हर एक नए नए वीडियो देखने को मिलता रहता है। तो रिंग लगाने के बाद यहाँ पे हमें गजन पिन यानी कि इसका जो पिन होता है उसे लगाना होता है और दोनों साइड से एक एक लॉक होता है। और लॉक अगर आप जो बाद में एक लॉक लगाते हैं तो इस तरीके से एक कपड़ा लगा ले, क्योंकि कभी क्या होता है कि ये छिटक जाता है और छिटकने के कारण से अगर ये लॉक हमारा अंदर चला जाता है तो फिर हमें क्या होता है दोस्तों कि हमें पूरा इंजन खोलना पड़ता है, और अगर हम उसी तरीके से छोड़ दें तो वो कभी भी यानी कि किसी भी चीज़ में टकरा के वो चीज़ यानी कि आपकी पार्ट से कोई भी ख़राब हो सकता है। तो उस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सिलेंडर लगाने से पहले यहाँ पे हमें सिलेंडर में ऑयल डालना चाहिए, रिंग में ऑयल डालना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें यानी कि सिलेंडर रिंग में लगाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। और इसमें जो दोस्तों पैकिंग आया बिल्कुल जेन्युइन पैकिंग आता है इसका। इस तरीके से आप पैकिंग को लगा दें। तो इस तरीके से दोस्तों लेफ्ट राइट सिलेंडर करके हमें रिंग लगा देना है। बिल्कुल ये आसानी से चला जाता है। और ये सब बाइक आपने देखा होगा कि ग्लैमर या होंडा साइन इसका जो पतला वाला रिंग होता है वो बहुत ही पतला होता है, अगर आप ज़्यादा जोर ताकत लगाते हैं तो वो यानी कि उससे निकल जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें टॉप पे लाके इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका हेड को फिट करते हैं और किस तरीके से फ़िट करना है ये चीज़ दिखाते हैं। पे हम इस हेड को फिट करेंगे, और हेड फिट करने से पहले अगर आप नया फल लगाते हैं तो इसकी आप ये चीज़ पले चेक कर ले, अगर इसमें साइड पले है या साइड पले होने के बाद तो इसका जो गाइड होता है उन चीज़ों को हमें चेंज कराना होता है। दोनों यानी कि साइड पले चेक करना होता है, अगर साइड पले है तो आप गाइड चेंज कराएं ज़्यादातर बेहतर होता है, और अगर साइड प्ले नहीं है तब कोई भी दिक्कत नहीं है, आप नया फॉइल डाल के सिर्फ ग्राइंडिंग करा दीजिए। तो अब हम इसे फिट करेंगे, फिट करने से पहले एक नया वॉइल सील डालना चाहिए, कभी भी आप अगर फॉइल को खोलते हैं तो नया वॉइल सील इसमें ज़रूर डालें। ये हमारे पास है जेन्युइन, जो कि इसका प्राइस है 84 रुपया, एक पीस का इसका प्राइस होता है 42 और दो पीस का 84 रुपया। तो वाल लगाने से पहले इस तरीके से दो वाशर होता है जो कि हमें इसे नीचे में डालना चाहिए, और वॉइल सील लगाने से पहले इस वाशर को आप डालें, अगर बाद में डालते हैं वॉइल सील लगा के तो ये यानी कि बैठेगा नहीं, फिर हमें वॉइल सील खोलना पड़ेगा। और इसके ऊपर फिर इसे कटोरी वाला वाशर देना है। तो ग्लैमर बाइक सुपर स्प्लेंडर बाइक में दो वाशर होता है नीचे में। ये वॉइल सील लगाने से पहले इसमें हमें ऑयल डालना चाहिए थोड़ा, ऑयल हम इसीलिए डालते हैं कि यानी कि आसानी से इसमें फिट हो जाए। फिर दोनों वाल में इस तरीके से ऑयल डालना है और फिर इसे यहाँ पे सेट कर देना है। वॉइल सील लगाने के बाद इस तरीके से उधर से हमें उंगली के सहारे से बंद कर देना है, और इस तरीके से आपको कंप्रेसर चेक करना है, जैसे आप इसे खींचेंगे ये अंदर की ओर तुरंत चला जाता है। देखिए आप इस तरीके से कंप्रेसर हमें चेक करना है, और दोनों का यानी कि उसी तरीके से है, इसके नीचे कोई भी यानी कि आपको इस तरीके से बेरिंग लगा लेना है, तभी उस तरफ से हमें वाल्व को बैठाना है, स्प्रिंग लगाना है।
ये स्प्रिंग और इसके कटोरी में दो वाशर लगेगा इस तरीके से, जिसे हम लॉक बोलते हैं, इस तरीके से हमें लगाना है इसमें। इस तरीके से हमें प्लग वाला रेंच लेना है और यहाँ पे कपड़ा हमें इस तरीके से लगाना है और ये तरफ से फुल यानी कि टाइट करना है, ऐसे फुल टाइट करके यहाँ से हम दबा देंगे, ये आराम से बैठ जाए। तो ये देखें, ये यानी कि आराम से बैठ गया, हमें कूलर की कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। इसी तरीके से ये साइड का भी बैठाना है। तो इसके बाद हमें कैम लगाना है। कैम का जो ये हिस्सा होता है जो बराबर लेवल होता है, इसे हमें ऊपर यानी कि रखना चाहिए इस तरीके से। इसके बाद जब भी आप कैम लगाएं, रोकर लगाएं, तो इसमें थोड़ा ऑयल डालना है और इसे आप इस तरीके से फिट करना है। यहाँ पे दो बोकली लगाना है और फिर इसके ऊपर पैकिंग लगाना है। जो पैकिंग आपको लगाना है तो इसमें यानी कि बॉन्ड का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल जेन्युइन पैकिंग जो कि सिलेंडर किट में आया था वही पैकिंग है, ये उसी पैकिंग को लगाना है। तो यहाँ पे फिर हमें टाइमिंग चैन को पहले लगा लेना है और अगर आप चाहते हैं कि बाद में हम लगाएंगे हार्ट लगाने के बाद, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। पर इस तरीके से टाइमिंग चैन लगाने के बाद यानी कि हमें ज़्यादा आसान पड़ता है और अगर हम हार्ट लगा के टाइमिंग ये इस पॉकेट जो लगाते हैं काफ़ी थोड़ा हमें दिक्कत होता है, इसीलिए हम पहले इसे टाइमिंग चैन लगाते हैं। आपकी जैसी एक्सपीरियंस है आप उस तरीके से काम करें, कोई भी परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे एक ऊपर में गाइड लगाना है और जो टाइमिंग चेन को नीचे से एक पत्ती जो होता है दोस्तों, उसे हमें उसमें यहाँ पे 10 नंबर का बोर्ड लगता है तो उसे भी लगा ले, क्योंकि नीचे से अगर हम ऊपर से टाइमिंग चेन यानी कि सेटिंग करें, टाइमिंग मिलाए, तो ये नीचे से क्या होता है कि हमारा टाइमिंग चेन अगर लूज होता है वो यहाँ से सेंटर आउट हो जाता है नीचे से। फिर यहाँ पर हमें पैकिंग लगा देना है नीचे वाला गाइड लगाने के बाद। मैग्नेट की जो चाबी होता है लॉक होता है उसे हमें आगे की ओर रखना चाहिए, तभी हमारा टाइमिंग मिलता है। और यहाँ पे जो बिंदी का निशान होता है इस पॉकेट में, ये भी बिल्कुल आगे की तरफ होना चाहिए। और फिर यहाँ से दोस्तों इस तरीके से हमें हैट को फिट करके डायरेक्टली हम इसका जो इस पॉकेट होता है उसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो क्या होगा, फिर हमें टाइमिंग यानी कि मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो साइलेंट चैन होता है, जब भी हम इस पॉकेट लगाते हैं यानी कि जल्दी चैन पे नहीं चढ़ता, वो बार बार गिर जाता है, तो इसीलिए हम इसका यानी कि पहले ही चैन लगा देते हैं। टाइमिंग सेट करने के लिए हमें यहाँ से इसका जो क्रैंक चाबी होता है इसे आगे की ओर रखना है, नहीं तो आप मैग्नेट लगा के भी टी का निशान से मिला सकते हैं। और यहाँ पे जो बिंदी का निशान होता है इसे हमें इसके हिस्से में रखना चाहिए। और अभी जो है हमारा टाइमिंग चेन यानी कि हमने टाइट नहीं किया, अभी देखिए आप लूज है। तो यहाँ पे अगर आप कभी भी यानी कि टाइमिंग चेन लगाते हैं तो इस तरीके से ये एडजस्टर टेंशनर को पूरा खोल के रखें और इस तरीके से आप चेक करें, यह देखिए कितनी ज़्यादा इसकी गैपिंग है। और अगर आप ऐसे भी चेक करना चाहते कि हमारा टाइमिंग चेन ख़राब हो गया या सही है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर टाइमिंग चेन ख़राब हो जाएगा तो ये टेंशनर आपका यहाँ तक सट जाएगा और सही रहेगा, इतना यानी कि दूरी पे रहेगा ये। तो इस तरीके से हमने टाइमिंग चैन यानी कि टाइमिंग लगाया। तो एक पेचकस की दोबारा यहाँ से हमें इस नट को लूज करना है और ये अपने आप यानी कि अंदर की ओर चला जाएगा। अरे बाल भाई इसका, पल्सर का।
टाइमिंग चैन अभी लूज है, इसे टाइट करने के लिए इन दोनों नट को पहले टाइट करना है और यहाँ से यानी कि इस तरीके से खोल लेना है। ऐसे देखिए आप, ये यानी कि एक दो पॉइंट खुला और ये बिल्कुल यानी कि टाइट हो गया। तो यहाँ से आपको ऐसा नहीं कि पूरा यानी कि चाँड देना है पेचकस के ज़रिए से, उस तरीके से नहीं करना है। सिर्फ अगर आप इस तरीके से हल्का करते, ये खुद बखुद यानी कि चैन हमारा टाइट हो जाएगा। देखिए आप, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब चलिए दोस्तों, इसमें हम मैग्नेट कवर लगाते हैं और बोर्ड साइड से क्लच चैम्बर जो होता है हमारा कवर, उसे लगा के फिर बाइक के ऊपर हम इसे फिट करेंगे और फिर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं किस तरीके से इसका साउंड आया इन इतना पार्ट्स लगाने के बाद। फाइनली दोस्तों, हमने इसका पूरा इंजन फुल बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया और आपको मैं इसका साउंड सुनाता हूँ किस तरीके से यानी कि साउंड आया। तो हमने हालांकि इसमें जो पार्ट्स लगाया, सबसे पहले ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, तो हमने तो इसमें एक सिलेंडर किट डाला, कनेक्टिंग डाला, उसका दोनों मेन बेयरिंग जो होता है उसे चेंज किया और इसमें क्लच ब्लेड लगाया बिल्कुल जेन्युइन, और इसी के साथ साथ भाल वेलसील टाइमिंग चैन, यानी कि जो भी इसमें हमने पार्ट्स लगाए वो बिल्कुल जेन्युइन लगाया। और इंजन का आप साउंड सुने यानी कि कितना खूबसूरत साउंड है, बहुत ही अच्छा साउंड, जिस तरीके से ग्लैमर बाइक का साउंड होना चाहिए उसी तरीके से सेम इसका साउंड है। तो कभी भी आप अगर इंजन खोलते हैं तो इस तरीके से यानी कि इंजन का काम करें, काफ़ी बेहतरीन साउंड आएगा और आपकी जो बाइक की मेंटेनेंस है वो उसके ऊपर आप ज़्यादातर ध्यान रखें और बाइक की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा अगर इस तरीके से आप काम करते हैं या काम करवाते हैं तो। तो फाइनली मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ किस तरीके से साउंड आया, और आपको कमेंट भी करना है कि हालांकि हमने जो काम किया बाइक इंजन के अंदर वो यानी कि किस तरीके से हमने काम किया और हमने अच्छा किया या साउंड अभी जो हमने इतना पार्ट्स आके डाला तो किसी चीज़ों का आवाज़ तो नहीं है ना, तो इन चीज़ों के आपको कमेंट करना है। तो आप इंजन की आप साउंड सुने, तो इंजन का जो साउंड है गाइज वो काफ़ी बेहतरीन हो चुका है और मोबाइल से हालांकि उस तरीके से साउंड हमें पता नहीं चलता है, पर अगर आप कभी भी ऐसे काम करते हैं तो आपको खुद पता होगा कि इतना पार्ट्स लगाने के बाद हमारे बाइक की किस तरीके से साउंड पिकअप हर एक चीज़ होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, हमारा जो वीडियो होता है हर एक वीडियो आपका यानी कि बहुत ही काम के लायक होता है। तो इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो आप तक तुरंत पहुँचे और आप हमारे वीडियो को देख के कभी भी यानी कि कहीं पर भी धोखा और ठोकर नहीं खा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।